जय श्री कृष्णा मम्मी जी। मम्मी जी मैं आपरे वास्ते चाय बना दू कही? अरे नहीं नहीं बिननी सा, थाने तो ध्यान ही जे कि मैं पचे सुबह सुबह उठते ही छा करते पियूं। मैं तो उठना रे बाद में कम से कम 3-4 घंटा रे बाद में चाय पियूं हूँ। हाँ ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। मम्मी जी आपने जने भी चाय पीनी रह के तो आप मने आवाज लगा दीजो, मैं आपरे गर्मा गर्म मस्त चाय बना लिया हूँ, ठीक है मम्मी जी? हाँ ठीक है बिंदनी सा। अरे मम्मी आप यू अकेला क्यों बैठा हो, पूजा कट गई है मम्मी? अरे मने कही था बेटा कि कट है पूजा बिंदनी सा। हाँ अरे मैं तो सुबह उठे एक जगह माते बैठी हूँ, अज तक तो मारे एक कप चाय भी कोई पूछे को नहीं है। मारे किस्मत में चार वो एक कप ही नहीं लिखियोड़ो है, और थने तो ध्यान ही जे बेटा कि मैं अगर चाय नहीं पीऊं तो पूछे मारे मत तो कितो फाटे हाँ। और एक है कि थारी बीवी रा कोई अत्ता है कोई पत्ता है, कई टकी दुनिया में रह रहे है हा? अरे मैं तो खुद ही दुखी रहगी हूँ, नहीं तो कोई काम धाम ढिंगू करे नहीं कोई बात हूँ। कई बात कर रही हो मम्मी, पूजा अजय तक आपने चाय नहीं दीदी हाँ? है कटी पूजा? अरे पूजा ए पूजा कटे है अटे आओ। हाँ राहुल जी बोलो। अरे राहुल जी आप अब बार तो वॉकिंग कर आए, आप इतना जल्दी फ्रेश होने तैयार भी हो गया? अरे पूजा ओ सब छोड़, मने सिर्फ तो इतना बता कि तू तो अजय तक मम्मी ने चाय क्यों नहीं दीदी हाँ? अरे थने ध्यान है घड़ी रे में कई टाइम हुए है, सुबह 10 बज गया है अजय तक तो मम्मी ने चाय नहीं दीदी हाँ? अरे राहुल जी वो कई बोल ले रही हो आप हाँ? अरे मैं मम्मी जी हमारे थोड़ी देर पहले तो पूछन गई थी कि मम्मी जी आप छा पियो कही, तो मम्मी जी मैंने मना की दो तो कि मैं नहीं हमेशा 3-4 घंटा उठे रे बाद में ही चाय पीऊ। और वरे मैं मम्मी जी ने इतो कियो तो कि मम्मी जी आपने जने भी चाय पीना रो मन करे तो आप मैंने कह दीजो, मैं आपने गर्मा गर्म छा बना लिया हूं। पर आप हो कि मैंने यू क्यों बोले रही हो हाँ? अरे हाल तो सिर्फ 5 मिनट रिया था मैंने रसोई में गया ने, क्यों मम्मी जी सही कह रही हूँ नी मैं? अरे बिंदनी सा मने लागे कि सुबह सुबह थे घना जल्दबाजी में था। अरे थे मारी बात ध्यान होनी च कोनी रहे हो हाँ? मैं तो यूं कियो थो कि सोने उठना रे बाद में 2 घंटा रे मैं मने अगर छा नहीं मिले नी तो पच्चे देखो मारो तो मत है के फाटन लाग जावे, और मारे तबे उठिया नहीं 4-5 घंटा रहेगा है, इन वास्ते आज तुम्हारो मत तो कुछ ज्यादा ही फाट रही है। पर मम्मी जी एडो तो कुछ भी नहीं है हाँ? अरे मैं मारे कानों सुनियो हूँ कि आप यूं क्यों तो कि मारे उठना रहे 3-4 घंटा बाद में मैं चाय पीऊं, इन वास्ते मैं आपने वो भी कियो तो कि मम्मी जी आप मैंने आवाज दे दीजो मैं आपने गर्मा गर्म चाय बना ले ना जोला। अरे बिंदनी साहब थाने कई लागे है कि मैं झूठ बोल रही हूँ बुढ़ी अरे हाँ? अरे मैं बोलो झूठ क्यों बोलू हाँ? लागे है कि थाने सुनर में गलती री रेला, और हाँ वैसे भी जटे खुदरी गलती रह के बटे मान लेनी चाहिए, यू बुढ़ा बुढ़े रहो बहस थोड़ी ना करी जे है, कोछो की बात थोड़ी ना रहे हाँ? अरे थानो चाय देवनारो मन नहीं थो तो कोई बात नहीं मती छा दो, लेकिन कम से कम मारे मत यू झूठो इंजाम मती लगाओ, यू बहस मती करो। अरे थे खुद ही सोच लो उठना रे 3-4 घंटा बाद में छा कौन पिए, अच्छा रोटी कने खाई नाश्तो कने करी हा? पर मम्मी जी आप ही तो। अरे पूजा क्यों तू इतनी बहस कर रही है? पर मम्मी जी करे नाटक कर रही है? अरे तू फरे गलती क्यों नहीं मान लेवे हा? अरे भलो मारी मम्मी कही झूठ बोली कही सुबह सुबह भगवान रे टाइम हा, तेने कोई दिमाग नाम रे तो चीज है नहीं हा? अरे मारी मम्मी सुबह सुबह उठते ही चाय पिए आई गयो नहीं समझ में? अरे इतो लेट वो भी सुबह 10 बजे पूरी चाय पिए हा, थारा दिमाग ठिकाने नहीं है कही हा? और हा थारे अंदर तो मैनर्स नाम रे चीज भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बड़ो बहस करनी आवे है हा, थाने तमीज नाम रे चीज नहीं आई आई बड़ी बहस करने वाली। अरे मारी मम्मी है के जो भी बोले नहीं सच बोले ठीक है नहीं? और हाँ पूजा आगे हो मारी मम्मी जवान लड़ा रहे हिम्मत भी मत कर जे आई क्यों नहीं समझ में? अच्छा ठीक है राहुल जी। और हाँ सुन। हाँ बोलो राहुल जी। मारे टिफिन पैक कर लो और नाश्ता भी लगा दे। हाँ ठीक है राहुल जी, मैं पहली मम्मी जी वास्ते चाय बना दू पचे आप नाश्ता लगा दू और हाथे हाथे आप टिफिन भी पैक कर दू ठीक है? अच्छा ठीक है जा। मम्मी मैं नाश्तो कर रही हूँ आप भी कर लो नाश्तो। अरे राहुल बेटा नहीं नहीं पहली मैं तो छा पीऊ पचे थन्ने तो ठाई जे कि अच्छा रो नसो उतर गो जो को मारो तो मत फाटे कई करू मैं। अच्छा ठीक है मम्मी जेड़ी आपरी मर्जी। मम्मी जी आलो आपरी गर्मा गर्म चाय। अरे बिंदनी सा आ कोई टाइम है कई चाय पीने वाली हाँ? अरे इन टाइम कौन छा पीवे है? अरे अब रहूं दो मैं तुम्हारे छा को नहीं पीऊं भाई, एक काम करो कि तू तो राहुल रहते मारो भी बढ़िया नाश्तो लगा दो, मैं तो बढ़िया गर्मा गर्म नाश्तो इच करूं। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अरे पूजा
आपको हमारे वास्ते नाश्ता लगा दियो है कहीं? हाँ राहुल जी, मैं आपके वास्ते नाश्ता लगा दियो। और मम्मी आप चाय पी ली रहो तो पचे नाश्ता भी कर दो हमारे साथ। अरे राहुल बेटा, मैं कट्टे छा पी दी हूँ। अरे मारे इन्हें फुटोड़ा कर मर मैं छा लिखी उड़ी कट्टे है, मने कौन देवन वालो है छा ये हाँ। अरे मने तो टाइम मत कोई इन घर में चीज ही नहीं मिले है, और एक तो मारो मत फटे है फटे है, कोई करूँ मैं तो। अबे नहीं मम्मी, हाल तक आप चाय नहीं पी दी। हाँ तो कटे पी दी मैं हाल तक छा, मने कटे छा मिले इन घर में। हाँ खैर छोड़, कोई बात नहीं, एक काम कर कि मैं थारे हाथे बढ़िया गर्मा गर्म नाश्तो ही कर लू, अपा दो ही नाश्तो कर ला ठीक है। अरे पूजा थाने कोई बात समझ में क्यों नहीं आवे? हाँ अरे तो मम्मी ने अजे तक चाय क्यों नहीं दीदी है? हाँ अरे पूजा सच में तो कितनी ज्यादा आलसी होगी है। हाँ थाने एक दो बार में तो कोई बात समझ में आवे ही नहीं है। अरे तुम्हें होगी कहीं है वो तो बता दे। अरे राहुल जी आप मैंने कई बोली रहे हो। अरे मम्मी जी तो मना करियो तो कि मैं चाय नहीं पीऊं। मम्मी जी कह रहे था कि कोई टाइम नहीं है वो चाय पीना रो, इन वास्ते तू गर्मा गर्म नाश्ता ले ना जा। तो इन वास्ते मैं बनाई चाय भी पाची रसोई में रख नहीं, और आप मने यूं बोली रहे हो। अरे राहुल बेटा रेऊं दे मैं किनो ही तो थारे बहस मती कर। अरे एक दिन छा नहीं पीऊं तो की कोनी रेऊं की मारो। हाँ निकली पचे हाँ, वैसे ही मत तो मारो फाट ही रियो है, गोली खा लू की नहीं तो या तो ठीक रह जाई, ने कह पचे दुख तो दुख तो मर जाऊं, और तो कई कर सकू राहुल बेटा। तो यू चीज मत इन गुस्सो मत ही कर, हाल अपा दो ही तो नाश तो कर ला हमें। अच्छा ठीक है मम्मी, अपा दो ही अभी नाश तो कर ला। हाँ बेटा हमें अपा नाश तो कर दा बढ़िया गर्मा गर्म, यू इतो लोड मत ही ले, इतो चीज मत ही तू। अरे बीननी सा ओ कई सुबह सुबह नाश्ता रे मैं थे ओ कई बकवास खानो बनाए हो। हाँ पास्तान पाव भाजी, अरे थाने कौन कियो है कि पास्तान पाव भाजी बनाओ? हाँ ठंडा नहीं पड़ेगी इन खानो तो हमारो पेट पूरा खराब रह जाए। हाँ अरे भला सुबह सुबह अड़ नाश तो कौन करे है? हाँ थाने कौन कियो है? हाँ अरे कम से कम थोड़ो मने पूछ तो लेता कि नाश्ता में कई बनानो कई नहीं बनानो। हाँ एडो गुंडो खानो में तो कोई खाऊ नहीं भाई। अरे मम्मी जी आप भी तो मने कियो तो आज आपने नाश्ता में पाव भाजी और पास्ता खाना है, इन वास्ते मैं नाश्ता में पाव भाजी और पास्ता बनाया, जबकि मैं तो आपने मना ही करियो तो, लेकिन आप ही जिद करिया था कि नहीं मने तो पास्ता पाव भाजी खाना, अब मैं बनाया तो आप यूं बोले रिया हो। अरे बीननी सा क्यों झूठ बोले रिया हो सुबह सुबह? हाँ अरे मैं खाने कभी कियो कि थे खाना रे मैं पास्ता ने और पाव भाजी बनाई जो नाश्ता रे, मैं तो खाना एडो कुछ कियो कोनी। हाँ अरे आजकल तो थे हूणो ही हावल कोनी हो। हाँ अरे मैं थाने क्यों की और मैं तो सुनो की और। हाँ अरे यूं थोड़ी ना रहे। हाँ हमें खैर जो को भी बनाया जो को खाओ का पड़ी है पास्ता पाव भाजी। हाँ खैर मारो पेट भी खराब रही, लेकिन कोई करूँ अब थे मारी बात तो सुनो को नहीं। हाँ जो को भी बनाया इन मारो पेट में बाटा तो वहां नहीं पड़ रही। हाँ अरे सुबह सुबह इतनी तेज भूख लगी और अड़ो भूडो नाश तो बनियो है, पर जो भी खिलाओ वो खाने से पड़ रही है मैं। अरे पूजा थाने कई हो गयो। हाँ अरे जो चीज थाने मम्मी मना करे वाइस चीज तो क्यों बनाई? हाँ अरे तेने हो कही गयो है। अरे राहुल जी और मम्मी जी अबे आज तो मैं वो खानो नाश्ता में बना लियो हूँ, तो कोई बात नहीं आज आप लोग वो नाश्ता कर लो, क्योंकि फालतू में फेंकनो पड़ गई है, कल आप लोग जो को भी केवला वो इसमें बना दूला ठीक है। वैसे तो मैं सही सुनियो तो, लेकिन शायद मने एडो लगे है कि मम्मी जी कह रिया है इनो मतलब मैं कुछ गलत सुनियो रोला। मम्मी जी आप एक काम करो, आपने नाश्ता में कई खानो है आप मने बता दो तो शायद मैं आप दूसरा नाश्ता बना दू ठीक है। अरे बीननी सा हमें रेऊं दो थे, हमें थे क्यों खामो खाम परेशान रहे। हाँ हमें जो को भी बनाया वो गिट ले मैं ठीक है नी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी मैं अब आपके वास्ते गर्मा गर्म दूसरा नाश्ता बना ले ना जाऊं। अरे राहुल बेटा आजकल बीननी सारे कोई टकाई रे गो जो कोई काम धाम में मन नहीं लागे और ये घर काम ही ढंगो नहीं करे, जरा सो भी मन नहीं लागे इनो तो है क्योंकि और हुने कई और है, जद देखो जने फोन रे माते बिजी रहे, जने देखो जने फोन माते बाता करती रहे, और ये फोन तो एक मिनट के हाथ में हेटो ही नहीं पटके। अरे राहुल बेटा मने तो एडो लागे कि थारी लुगेरो बिल्कुल काम धाम में मन नहीं को नहीं लागे। अरे फोन में फुर्सत मिली जने काम धाम में मन लागी के। हाँ और फोन तो एडो हाथ में रखे है के पूछो मती। अरे मारे कई करना खैर भली फोन में बाता कर की कर, मैं तो कोई रोको कोई टोको, मने तो बस खावन रे वास्ते दो टाइम री रोटी मिल जानी चाहिए और पेट भर जानो चाहिए। खैर आ बात अलग है वो बेस्वाद से खानो मने खावनो पड़े, पर कई करूं हमें रोज रोज खाऊं हूं मैं तो।
मम्मी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं आज ही पूजो बात कर लू हाँ कि भाई मैंने आखिर हो कही गयो है, वो आपके साथ एडो व्यवहार क्यों कर रही है। ठीक है राहुल बेटा, पर मारी वजह थे दो लड़जो मती हो। लाग रही है कि आज तो मैंने पूजो बात करनी पड़ेगा। अरे आखिर वायु क्यों कर रही है, क्यों मम्मी रे साथ एडो व्यवहार कर रही है, मने तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। अरे मम्मी जी आज टीना भाई सा आने वाला है नी, तो आप मने बता दो मैं टीना भाई सा वास्ते खाना में कई बनाऊ, बिना खाना में कई पसंद है। अरे बेननी सा टीना रे वास्ते सब्जी रे मैं तो बढ़िया क्या पालक पनीर की सब्जी बना दीजो, और मीठा रे मैं बढ़िया सूजी रो हलवो बना दीजो, वो तो मार बेटी रो फेवरेट है। हाँ ठीक है मम्मी जी। टीना भाई सा खानो बन गयो है, खानो ठंडो दे दियो है, हालो नहीं खानो जिम लो। हाँ ठीक है भाभी। भाभी वैसे आज खाना में कई बनाए हो आप? अरे टीना भाई सा आज तो मैं खाना में सब आपरी पसंद रो खानो बनाया हूँ, सब अच्छा अच्छा पकवान बनाया हूँ। देखो मैं आज पनीर की सब्जी बनाई हूँ, हते रायतो बनाया हूँ, खींचा तलिया हूँ, और मीठा में हलवो बनाया हूँ, पूरी बनाई हूँ, सब आपरी पसंद रो खानो बनाया हूँ। अरे पूजा ओ तू कई बोल रही है हा? अरे तू पनीर की सब्जी बनाई है? अरे थने पतो भी है कि पनीर की सब्जी मारी बहन टीना ने एलर्जी है हा? अरे हलवो तो इन्हें बचपन में ही नहीं पसंद है हा? फिर थने कौन कह दिया कि तू हलवा और पनीर की सब्जी बना और ये चीजें टीना की फेवरेट है हा? अरे इन चीजें तो टीना हाथ भी नहीं लगा रहे कदी। अरे राहुल जी आप वो कई कह रही हो, टीना दीदी ने वो सब खानो नहीं पसंद है हा? अरे ये सब चीजा तो मैं दीदी री फेवरेट चीजा समझ बनाई हूँ, और मने तो मम्मी जी कियो तो कि ये सब चीजा तो दीदी री फेवरेट है, इन वास्ते मैं बनाई हूँ, नहीं तो भला मैं वो सब क्यों बनाती। अरे पूजा मने लागे कि थारो भेजो है नहीं बिल्कुल काम करना बंद कर दियो है। अरे थने घर वाला जो कुछ भी कहे तो मैंने उनको ही सुने। अरे हाँ राहुल बेटा तो बिल्कुल सही कह रही है। अरे मैं तो बिननी सा ने सब कुछ ये चीजा बनाना रो ना दी दो तो, और आ है कि वही चीजा बनाए ली। कोई बात नहीं भाभी, आप जको भी बनाए हो नी वो मैं खा ले थोड़ा थोड़ा, ठीक है? अरे नहीं टीना भाई सा आपने जको भी खानो खानो रेवे या आपने जको भी खानो पसंद रेवे नी आप अभी मने बताओ, मैं तुरंत गर्मा गर्म दूसरो खानो बना दे। कोई बात नहीं आप मन फटाफट बता दो कई खानो है आपने। अरे नहीं नहीं भाभी आप जो भी बनाए हो वे मैं खा ले, आप खामो खाम परेशान मत रहो, चलो हमें बहुत तेज भूख लगे खानो जिमला। अच्छा बीननी सा सुनो तो एक काम करो कि टीना रो कमरो है के इतना दिनों बंद पड़ियो तो तब इन कमरा में बदबू भी आती रही, तो थे एक काम करो इन कमरा में जान बढ़िया छोटी साफ सफाई कर दो। साफ सफाई कर अने पछि इन कमरा में याद रख रूम फ्रेशनर मत रख जो हो, बढ़िया धूप पत्ती रख जो जो हैंग मच्छर बीजी रही तो मर जाए खुशबू छोकी आई, ठीक है? अरे मम्मी धूप पत्ती मैं भी मारे कमरा में। अरे मम्मी आपने तो पता है नहीं कि धूप पत्ती मैंने कितनी ज्यादा एलर्जी है, अरे मैंने बार बार छीका ओवन लग जावे। अरे टीना बेटा थू, अरे टीना बेटा थारे हुनर में कोई गलती रहेगी रही। अरे मैं तो बीननी सा ने यूं कह रही थी कि वह धूप पत्ती है क्या जो मारे कमरा में लगा दीजिए। अरे नरे दिन देखा मारे कमरा में तो पाटो खाने रहे कुछ बनते घनी आवे भासे भूडो भूडो अने मच्छर ही घना रहेगा, जो को मैं क्यों मारे कमरा में तो बढ़िया धूप बत्ती लगा दीजिए अने टीनर कमरा में बढ़िया साफ सफाई कर बढ़िया रूम फ्रेशनर छिटक दीजिए, ताकि थार कमरों का पछि घना दिन देगा कि बंद रहेगा के तो भास तो रही, जो को मैं क्यों टीनर कमरा में रूम फ्रेशनर छिटक दीजिए। पर मम्मी जी आप ही तो यू कह रहे था कि रूम फ्रेशनर दीदी रूम में नहीं रखना है क्योंकि दीदी ने बिनु एलर्जी है ना से धूप बत्ती जलानी है दीदी रूम में। अरे बीननी सा कई झूठ बोले रहे होते हो, अरे हरा हो झूठ बोल जाते तो हाँ मैं थाने का यूं थोड़ी ना किया हूँ हाँ। अरे थे मने लगे आजकल ऊंचो हूणो हो कई क्यों कई न हूणो कई होते तो। अरे मम्मी बस करो यार क्यों झूठ बोले रहे हो, अरे मैं खुद मारे कानों सुनियो हूँ आप है के शायद मने देख क्यों कौन तो मैं भाभी सारे ला रही तो खड़ी थी हाँ, और मैं मारे कानों वो सुनियो तो कि आप भाभी सा ने यू कियो कि मारे कमरा में जान धूप बत्ती लगा दे, जबकि मने धूप बत्ती हूँ कितनी एलर्जी आपने अच्छी तरीके को पता है नहीं मने कितनी ज्यादा छीका आवे पछे मैं परेशान रहूं आपने तो कही नहीं हाँ। अरे मम्मी मैं तो यूं क्यों कि आप ये हो कही गयो है हाँ, अरे जदों मैं इन्हें घर में आई हूँ नी जदों मैं ओस देख रही हूँ कि आप हर चीज में भाभी सा ने गलत ठहरा रहे हो हाँ, लेकिन जबकि भाभी सारी कोई गलती भी नहीं रहे हाँ। मम्मी आपने बाकी सब चीजें तो बहुत अच्छे से याद रहे, लेकिन आप भाभी सा ने कहो वही चीजें गलत क्यों रहे हाँ। अरे मने ओ समझ में नहीं आ रही है कि आप भाभी सा साथ एड़ो व्यवहार क्यों कर रहे हो, अरे आप री वजह भैया और भाभी रे बीच में कितनी ज्यादा दरारा आ रही है, इन और बार बीच में कितनी ज्यादा लड़ाई हो रही है हाँ,
मम्मी आपने कुछ समझ में नहीं आवे कही। अरे टीना कई हो गयो तारे, मम्मी इन तरीका बात क्यों कर रही है? भैया मने कही नहीं रियो है हा? अरे मैं तो अच्छे से बात कर रही हूँ, वो तो पतो नहीं मम्मी ने कटक कही रेगो हा? मम्मी आप दिमाग में कटक कई चक्कर चला रही है, आखिर मम्मी हर बार भाभी साने गलत क्यों ठहरावे, मने आज चीज समझ में नहीं आवे हा? बताओ मम्मी आपने कई प्रॉब्लम है, आप क्यों भाभी सारे लारे पड़िया हो? अरे टीना बेटा अबे तू चुप कर, अरे मन्ने तुम्हारे की कोनी रियो है? अरे मम्मी मैं आप री बेटी हूँ, आपने अच्छी तरीका हूँ जानू हूँ मैं, अरे बिना वजह तो आप कदी कुछ एडो कर भी नहीं सको, जरूर आपने कोई ना कोई बात बुरी लगी है या कोई ना कोई बात आपरे दिमाग में चल रही है जद आप एडी हरकत कर रहे हो भाभी रे साथे। हाँ अरे मम्मी ये सब करो कुछ भी नहीं देवेला, अरे भैया और भाभी री दोनों जिंदगी बर्बाद रहन वाली है ठीक है नी? अरे ओ बसो बसायो घर उजड़ जावेला, इनारी जिंदगी खराब रह जावेला, ओ घर टूट जावेला बिखर जावेला। हाँ मम्मी आप इन हरकत अरे माते प्लीज कंट्रोल कर दो, वो सब करना कुछ नहीं मिलन वालो है, अरे वो तो भाभी कितनी अच्छी है कितनी समझदार है जो को हर बार आप री गलती होते हुए भी खुदरी गलती माने इन चीज ने। अरे बीननी साहब मने माफ कर दो, मारू गलती रहगी है। अरे बीननी साहब मैं करू तो करू कही हा, अरे मने डर लगे है जिंदगी रे अंदर हा कि कठे मारो बेटा ने मैं खो नहीं दू, मारो बेटो कठे मारो अलग हो जाला हा। अरे जद ठाण गए लोगों ने शादी रही है नी, जद ठह दो तो एक खाते रहो और मैं बापड़ी हूँ कि अकेली पड़ी रहूं? अरे मने तो कोई पूछता चाहिए कोनी हा, और टीना बेटी है तो आई बारे रहे और मैं बापड़ी अटे एकली पड़ी रहूं? अरे बीननी सा मैं तो नहीं देखू जो को राहुल बेटो है दिन थाने चारू मेर घूमते रहे है, जद मैं थाने ब्याह कराए होनी जद राहुल थाने हर बात में हा में हा हा में हा मिला तो रहे है। अरे मने तो एड़ो लगे इन घर में मारी तो की वैल्यू इच को नहीं है, मने तो कोई समझन वालो इज नहीं है, इन वास्ते जिंदगी रे में मने डर लगे है, इन वास्ते मैं वो सब कर रही हूँ बेटा, पर अभी मने माफ कर दो मने मारी गलती रो एहसास रह गयो है। अरे मम्मी आप एड़ो सोच भी की कर सको हा? अरे मम्मी मारे ऊपर सब पहले आप रो हक है हा? अरे मम्मी मैं आपने भलो कभी इग्नोर कर सको कही हा? हमेशा मैं आपरे बारे में सोचू फिर भी आप मारे साथ ऐडो करियो हो? अरे मम्मी मैं तो सपना में भी नहीं सोचे तो कि आप मारे साथ ऐडो करो ला, मने ऐडी उम्मीद नहीं थी हा? मम्मी आपने पता है मैं आपरे इन हरकतों की वजह पूजा ने कितनी बार डांटी हूँ कितनी बार मारियो भी हूँ, क्योंकि मने हमेशा ओ लागतो तो कि हर बार गलती पूजा री रहे, बट मने नहीं पता था कि आप खुद ये गलतियां कर रहे हो हा? और वो भी सिर्फ और सिर्फ वहम रे कारण। राहुल बेटा मने माफ कर दे, मने मारे गलती रो एहसास हो गयो बेटा, दोबारा एडी गलती कदी नहीं रहेला मारू। राहुल जी प्लीज आप मम्मी जी ने की मती को, देखो ये तो माँ है और हाँ माँ ने डर लागे तो है ही जनी। अरे बिंदनी सा अब थे मने माफ कर दो माफ, अरे मैं दोबारा एडी गलती कदी नहीं करूला, मने मारी गलती रो धापन एहसास रेगो है कि मैं थाने साथे कितो बुरो करियो हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मने आपरी कोई भी बात पर बुरो नहीं लागियो है, और आप मम्मी जी बार बार माफी मांगन मने प्लीज शर्मिंदा मती करो, जरूर मैं ही सेडो कोई काम करियो रूला जिनी वजह आपने एडो लागे, लेकिन मैं दोबारा एडी कोई भी गलती नहीं करूला, मैं आपरो बिल्कुल पूरो पूरो ध्यान रखूला और आगे आपने मैं परेशानी होना रो कोई मौको नहीं देऊंगा मम्मी जी, अगर मारू कोई गलती भी है तो मुझे माफ कर दो। हेलो सर, राम राम सर, तुम्हारी आज री आ स्टोरी आप लोगों ने केड़ी लगी है, और दोस्तों आज री स्टोरी री आई सीख है कि इन हाउ ने तो भ्रम रेगो है कि भाई जो को बेटा री वो है आ तो मारे बेटा ने ही कहा दियो, आ तो मारे बेटा ने माते जादू टोड़ो करा दियो, आ तो मारे बेटा ने कंट्रोल में कर दियो, अम्मे मारो बेटो तो मारो है इच कोनी, अम्मे मारो बेटो तो की काम रो कोनी, जब टिकी है बहुरे लारे पड़ी हाथ धोने, अरे यू नहीं रिया करे, अरे भीनणी में भी तो इतो दिमाग है वापी मोटी रेगी है मैच्योर है, अम वा कई हिकाई थाने बेटा ने हो, थाने बेटो का दूध पी तो बच्चो थोड़ी ना रेवे जो कब लुगे हिकाई निकाउट में आजी है, अरे बेटा ने भी सब रिश्ता नातारा पता रेवे, बेटा री बहू ने भी रिश्ता नातारा पता रेवे, बेटी ने भी रिश्ता नातारा पता रहे कि मारो किन हाथे कई रिश्तो है, अरे हाउ हो रहा ने समझाने की जरूरत नहीं है, और मैं तो कहूँ रिश्ता जद बिगड़े जद हाउ हो रहा खुद खोड़ी लाई करी जद बिगड़ी, अगर हाउ हो रहा माँ बाप बनन रही बहू बेटी बनन रही तो रिश्ता तो जन्म जन्म तक बिगड़न वाला ही नहीं है, इन वास्ते मैं तो कहूँ हुन्नो भ्रम छोड़ो, आप रो बेटो कोई छोटो दूध पीतो बच्चो नहीं है कि आप इन्हें सिखाओ कि आपने दावा हाथों खाणो जीवना हाथों खाणो आज चीज चौकी है आज चीज गलत है, नहीं सा,
अभी वो शादीशुदा रेगो है, शादीशुदा लाइफ है, वो क्यों तो माँ बापा ने छोड़ी। मैंने भी पतो है कि मारा माँ बाप मने कितना दोरो पार पोस मोटो किबो है। मारे वास्ते 9 महीना मारी माँ भारिया मरी है, मारी माँ मने अल गिलो हुकम हुआण्यो है, तो विने वे सब चीजा पतो है। और कदी कोई बेटो एडो नहीं चावे ना कि मारा माँ बाप है वे मारू दूर रह वे। और वो 7 फेरा खाने आपरी लुगाई ने लेन आयो है, तो वो यूं भी नहीं है कि आपरी लुगाई ने छोड़ेला या आपरी लुगाई री कोई गलत जो को बात है वह मानेला। नहीं सा एडो नहीं रिया करे, आपने सिर्फ झूठो और गलत भ्रम रिया करे। तो जो का ऊंची मानसिकता है नी, इन्हें दिमाग को निकाल देनो। ना तो कदी बेटो बदलन वालो है, ना कोई बहु बदलन वाली है। जो को साथ भगवान अपन जो को रिश्ता बना भेजे ने, वे रिश्ता अपन निभाना ही पड़ेला। और हाँ, राम राम सा, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर जो, शेयर कर जो, नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर जो। आप फिर मिला लाइक नई स्टोरी रहते। राम राम सा।